स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस चैप्टर 2 चल रहा है ना, उसका पार्ट 2, चैप्टर सेकेंड चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 में देखे थे हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है चैप्टर का नाम है। तो पार्ट 1 में समझाए थे शुद्ध है या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है, और मिश्रण पढ़े थे, विलयन पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़े थे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, तो नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि जो भी पदार्थ हम देखते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिला हुआ है तो वो पदार्थ, उसको साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो वो शुद्ध नहीं है, है ना। साइंस में उसको शुद्ध पदार्थ नहीं कहेंगे, ठीक है। ये हुआ था। उसके बाद बताए थे कि अगर सभी पदार्थ शुद्ध नहीं है, शुद्ध पदार्थ नहीं कहेंगे, तो उसको क्या कह सकते हैं, तो उसको मिश्रण कह सकते हैं, ठीक है। मिश्रण कहते हैं, है ना। तो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक से मिलने से जो पदार्थ बनता है उसको मिश्रण कहते हैं। दो तरह का मिश्रण देखे थे, एक समांगी मिश्रण और एक असमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को सेचुरेटेड मिक्सचर और एक असमांगी को अनसेचुरेटेड। समांगी होता है वैसे मिश्रण जो पूरी तरह से घुल जाए, जैसे चीनी पानी। असमांगी जो पूरी तरह से ना घुली, जैसे चीनी और पानी और रेत या चीनी रेत, है ना, जो पूरी तरह से घुले ना, तो उसको असमांगी मिश्रण कहते थे। उसके बाद विलयन पढ़े थे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, यानी जो पूरी तरह से घुला हुआ हो, समांगी मिश्रण हो, उसी को विलयन कहते हैं, ठीक है। जो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन देखे थे, विलयन में क्या क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक विलय होता है, विलय यानी जो चीज़ घुलता है, और विलायक एक होता है जिसमें घुलता है, जैसे चीनी, नमक, चीनी और पानी घोल रहे, तो चीनी हो गया विलय, पानी हो गया विलायक, दोनों मिल गया यानी घुल गया, तो उसको विलयन। विलयन देखे थे कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। एक वास्तविक विलयन जिसका कण बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा होता है, एक कोलाइडल विलयन जिसका कण थोड़ा सा बड़ा होता है, और एक निलंबन देखे थे जिसका कण बहुत बड़ा होता है, जिसका कण को आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं, नंगी आंखों से बाकी के कण को नहीं देख सकते, है ना। तो ये सब पढ़े थे वहाँ पे। आज देखेंगे जो भी मिश्रण अभी तक पढ़े, वो सब मिश्रण को अगर अलग करना हो, मिश्रण को अलग करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मिश्रण को पृथक यानी कि अलग करने के तरीके, क्या क्या तरीका है मिश्रण को अलग करने का, ठीक है। तो पहला तरीका है वाष्पीकरण। क्या है वाष्पीकरण? वाष्पीकरण देखिए, दो पदार्थ है, दो पदार्थों का मिश्रण, दो पदार्थ है वो मिला हुआ है, मिश्रण मतलब मिला हुआ है, हमको उसको अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? तो एक विधि जो है वाष्पीकरण विधि से हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बीकर लिए, इसमें कुछ पदार्थ है और इसमें और कोई पदार्थ है ना, अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? तो वाष्पीकरण द्वारा अलग कर सकते हैं। वाष्पीकरण किसको कहते हैं, वो पढ़ाए थे पहले चैप्टर में, था ना, वाष्प बन के जो उड़ जाता है, वाष्पीकरण मतलब कि वाष्प बन के उड़ जाना, है ना, वाष्प बन के उड़ जाना। तो दो पदार्थ है घुला हुआ है, मिला हुआ है, मिक्सचर है, ठीक है, मिश्रण है वो दोनों। तो क्या करेंगे, अगर इसको गर्म करेंगे, एक का क्वथनांक अगर ज़्यादा हो, एक का क्वथनांक कम हो। क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक बताए थे, वाष्प बन के उड़ने में जितना तापमान लगता है उसको क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो एक का क्वथनांक कम है, यानी कि एक कम तापमान में ही उड़ जाता है, वाष्प बन जाता है, और एक वो है उसको वाष्प बनाने के लिए ज़्यादा तापमान लगा, है ना। तो दो ऐसा पदार्थ है और उसका मिश्रण है। तो क्या करेंगे, नीचे से अगर हम तापमान देंगे, यहाँ तापमान देंगे, तो क्या होगा, जो कम तापमान से में जिसका क्वथनांक कम है वो वाला उड़ जाएगा वाष्प बन के, है ना। जैसे ये उड़ गया, एक पदार्थ उड़ गया जो जिसका क्वथनांक कम है, वो तो चला गया, है ना। अब जैसे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा, वैसे तापमान देना बंद कर देंगे, यानी दूसरा पदार्थ जो है जिसको ज़्यादा तापमान मिलने पर वो वाष्प बनता, उसको उतना तापमान देंगे ही नहीं कि वो वाष्प बनेगा। तो क्या हो जाएगा, एगो उड़ जाएगा तो एगो चीज़ बच जाएगा, तो अलग हो गया है। जैसे पेन का स्याही हो गया और पानी, इसको अलग कर सकते इस तरह से, ठीक है। स्याही है और पानी भी है, तो पानी जैसे क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, पानी है
वाष्प बन के पानी उड़ जाएगा। अब स्याही खाली बर्तन में जम जाएगा, रह जाएगा, इसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो ये बोलते हैं वाष्पीकरण इसको। तो वाष्पीकरण विधि से हम किसी मिश्रण को अलग कर सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, डिफिनेशन भी लिखाते चलेगा। चलिए लिख ही देते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। फिर करेंगे तो इसमें मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकरण द्वारा वो उड़ जाता है ना, वाष्पीकरण हो जाता है, एक पदार्थ का वाष्पीकरण हो जाता है और एक पदार्थ रह जाता है। तो अलग हो गया, एक उड़ गया, एक रह गया, तो अलग हो गया ना, अलग हो गया है ना। तो जिसका क्वथनांक कम हो वो वाष्पीकरण होगा, बाकी रह जाएगा, ठीक। जैसे स्याही और पानी को अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला वाष्पीकरण विधि है, दूसरा है अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण मतलब समझ आ रहा है, अपकेंद्रीकरण माने केंद्र में, केंद्र माने तली में जम जाएगा, है ना। जैसे कोई बर्तन है इस तरह से, जैसे इसमें अगर रेत घुला हुआ है, मिट्टी घुला हुआ, मान चाहे मिट्टी, पानी में मिट्टी घुला हुआ है, ठीक है। ये रहा पानी, ये पानी है, ये पानी दिख रहा है ना, पानी, हाँ। और इसमें रेत घुला हुआ है, रेत मिट्टी है ना, पानी में मिट्टी रेत घुला हुआ है, ठीक। पानी में मिट्टी और रेत घुला हुआ है तो क्या होगा, पानी में रेत मिट्टी और भी छोटा छोटा कण है ना, यानी मिट्टी डाल दिए तो उसमें घास फूस का कण भी रहेगा, वो सब भी घुला हुआ है। तो मिट्टी का रेत छोटा छोटा कण जो है वो सब पानी में घुला हुआ है, तो उसको अगर हम अलग अलग करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक। अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई बर्तन वैसा है तो बर्तन को पूरी तरह से एकदम बढ़िया से हिला लेंगे, उसके बाद उसको रख देंगे एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, जितना देर के लिए भी थोड़ा देर रख देंगे, एक दो घंटा के लिए। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जितना भी भारी कण है वो भारी कण नीचे तली में बैठ जाता है, भारी कण जो इसका है वो बैठ जाएगा यहाँ पे, भारी वाला कण नीचे बैठ जाएगा, थोड़ा सा हल्का वाला कण थोड़ा ऊपर रहेगा, उससे और हल्का वाला कण और ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे रेत है तो रेत एकदम सबसे नीचे बैठ जाएगा, जो थोड़ा बड़ा बड़ा रेत रहेगा, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी जम जाएगा, उसके बाद छोटा छोटा जो कण है वो पानी के ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह से हम तीन भाग में उसको अलग अलग कर दिए, ठीक है। ऊपर वाला को किसी चीज़ से, ऊपर वाला को ढाल के पहले घास फूस जो ऊपर तैर रहा है उसको निकाल लेंगे, उसके बाद फिर वो पानी निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ से रेत मिट्टी हम सबको हटा सकते हैं, ठीक है। तो भारी कण सबसे नीचे जमा हुआ रहता है, थोड़ा हल्का कण उसके बाद सबसे हल्का कण ऊपर तैरते रहेगा। तो इस तरह से हम सभी मिश्रण में जो भी पदार्थ है उसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये विधि है जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीकरण, यानी केंद्र में उसको बैठा देना, तली में उसको जमा देना, भारी पदार्थ को जमा देंगे और बाकी को हटा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अपकेंद्रीकरण, तो मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है, तो क्या होता है, भारी कण नीचे बैठ जाता है, जम जाता है, भारी कण जो है, जो भारी कण है वो तल्ली में नीचे बैठ जाएगा और हल्का कण ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हम दो भारी कण और हल्का कण दो तरह के पदार्थ को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दूध से क्रीम पृथक, दूध से क्रीम निकालने के लिए भी इसी विधि से निकाला जाता है। वॉशिंग मशीन में भी कपड़ों से पानी निकालने के लिए इसी विधि का उपयोग होता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अपकेंद्रीकरण केंद्र में बैठ जाएगा, भारी कण हल्का कण ऊपर है, तो अलग हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पृथककरण कीप है, उसके बाद यहीं पे उसको भी देख लेते हैं। पृथककरण कीप मतलब अलग करने वाला कीप समझ में आता है, तेल उल ढारने वाला जो कीप रहता है, टिप्पणी जिसको बोलते हैं, हाँ कीप। तो इसको इंग्लिश में डिफरेंशियल इंट्रैक्शन है ना, इंट्रैक्शन फनल मतलब वही कीप जिसको कीप कैसा रहता है ऐसा दिया में पहले तेल डालते थे इसे, है ना। इसको दिया में डाल देते थे यहाँ तेल,
तो तेल उल डालने के लिए जो कीप आता है, कीप रहता है, उस तरह का कीप से भी हम पृथक कर सकते हैं, मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो उसमें कैसा मिश्रण को अलग कर सकते हैं? अघुलनशील द्रव को। अघुलनशील यानी जो घुला हुआ नहीं है, ऐसा द्रव, ऐसा लिक्विड जो पूरी तरह से घुला हुआ नहीं है, उसको हम इस कीप द्वारा पृथक यानी अलग कर सकते हैं। कैसे? उसको देखिए, जैसे एक कोई बर्तन है, इसमें नीचे पानी है, ठीक है, पानी में अगर हम तेल को घोल दिए तो तेल क्या होगा? तेल ऊपर ऊपर रह जाएगा, तेल ऊपर रह जाएगा, तेल है ना, तेल, और नीचे वाला है पानी, पानी, तेल है और उसमें ऊपर पानी में तेल मिला दिए तो क्या होगा? तेल तो पानी में पूरा घुलता नहीं है, मिलता नहीं है, पानी के ऊपर में तेल तैरते रहता है, ऊपर जम जाता है ना। अब इसको अलग करना है तो बहुत आसान है, नीचे समझिए एक छेदा कर देंगे इसे, हैं, इसमें की नल लग जैसे, है ना, यहाँ से इसको निकालेंगे, यहाँ पे या इसको यहाँ छेदा करेंगे, तब तो कीप का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे ढालेंगे, ठीक है, यहाँ ढालेंगे तो ये तेल जब तक गिरेगा तब तक गिरने रहने देते हैं, है ना, गिराएंगे, उसके बाद जैसे यहाँ पानी आएगा वैसे रोक देंगे, तो तेल चल गया अलग जगह, पानी चल गया अलग जगह। या यहाँ पे भी इसको इस तरह से छेदा करके यहाँ से पानी जब निकलेगा, यहाँ पे नल जैसा रहेगा टाइट करने, इसको फिक्स करने वाला एक रहेगा, है ना, बंद करने वाला, तो जैसे जैसे ये पानी नीचे आएगा, ये पानी ख़त्म हुआ, उसके बाद इसको घुमा के बंद कर देंगे तो पानी नीचे गिर गया, और दूसरा बर्तन में इसको कर लेंगे और ये तेल रह जाएगा ऊपर, है ना। तो इस तरह से अलग कर सकते हैं, जो अघुलनशील द्रव है तब, अब पूरी तरह से घुलल है, जैसे चीनी और पानी पूरा घुल जाता है एकदम, तब उसको ऐसा कहेंगे छान के अलग करें तो कैसे होगा, नहीं हुआ, है ना। तो ये कीप द्वारा अलग कर सकते हैं दो अघुलनशील द्रव को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है ऊर्ध्वपातन विधि, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन बताए थे, ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं? जब ठोस, कोई ठोस से वो डायरेक्ट गैस में बदल जाए या गैस डायरेक्ट ठोस बन जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन विधि से भी हम दो मिश्रण को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो दो मिश्रण, वह कैसा मिश्रण को इसमें अलग कर सकते हैं? तो वैसा मिश्रण जिसमें एगो जो पदार्थ है वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, यानी ऐसा पदार्थ है जो डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है, वैसा वाला पदार्थ है, और एगो पदार्थ है जो डायरेक्ट ठोस से गैस नहीं बदलता है। तो जो डायरेक्ट ठोस से गैस बदलने वाला है वो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाएगा, उसको वो गर्म करेंगे तो वो बदल जाएगा डायरेक्ट ठोस से गैस, और बाकी पदार्थ उसमें रह जाएगा। इसमें जो एक पदार्थ है, एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, वो ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ऊर्ध्वपातित मतलब समझना है, डायरेक्ट ठोस से वो सिद्ध गैस बन जाता है, एगो रह जाता है उसमें, ठीक है, अलग हो गया ना, एगो डायरेक्ट गैस बन गया, एक ठो रह गया तो अलग हो गया, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके लिए क्या चीज़ को अलग कर सकते हैं? इसका एग्जाम्पल में है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण है, अमोनियम क्लोराइड नमक में घुला हुआ है, तो उसको हम अगर अलग करना चाहें तो इसको गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जो है वो उड़ जाएगा, डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाएगा, नमक बच जाएगा, ठीक है। तो इस विधि से हम मिश्रण को अलग कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से। ऊर्ध्वपातन यानी एक ऐसा पदार्थ रहेगा जो डायरेक्ट ठोस से गैस बन गया यानी उड़ गया, एगो चीज़ है पदार्थ रह गया, जैसे नमक और अमोनियम क्लोराइड, नमक और अमोनियम क्लोराइड डालेंगे तो गर्म करेंगे तो नमक नहीं उड़ेगा, अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट उड़ जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, बन जाएगा सिर्फ नमक, ठीक। तो ये एक विधि है। अगला विधि देखते हैं, कपूर कोई चीज़ में है तो कपूर को भी अलग करना चाहे तो डायरेक्ट ठोस से उसको गैस में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है पाँचवा नंबर में क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी इंग्लिश में भी क्रोमेटोग्राफी ही होगा, है ना, क्रोमेटोग्राफ। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? देखिए इसमें रंग को अलग करते हैं, क्रोमेटो, क्रोमो आ रहा है यानी रंग, है ना, दो प्रकार का रंग है, रंगीन मिश्रण, है ना, ये रंगीन मिश्रण को अलग करने के लिए इसका काम होता है ना। किसी मिश्रण है, कोई मिश्रण है उसमें रंगीन यौगिक है यानी रंगों का मिश्रण है,
उसको रंग को अलग अलग रंग को अलग करने के लिए इस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अलग रंगों को फिल्टर पेपर द्वारा उसको सुखा करके, पेपर में सुखा करके और उसको अलग किया जाता है, उसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा उसको अलग अलग रंगों को सोख लिया जाता है और पृथक कर लिया जाता है अलग अलग रंग, जैसे लाल पीला हरा। है आसवन विधि, आसवन विधि भी देख लेते हैं। आसवन डिस्टिलेशन कहते हैं। देखिए डिस्टिलेशन क्या होता है, ये डिस्टिलेशन वाष्पीकरण जैसा ही होता है। वाष्पीकरण में क्या बताए थे, वाष्प बन के उड़ जाता है और एगो चीज़ वह रह जाता है बर्तन में। ठीक है, जिसका क्वथनांक ज़्यादा है वो उड़ जाएगा, बाकी रह जाएगा, तो वो वाष्पीकरण होता है। तो उसी तरह आसवन विधि होता है, डिस्टिलेशन बोलते हैं। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से ही डिस्टिल वाटर बना है, आसवन से ही आशुद्ध जल बना है। आशुद्ध जल का नाम सुने होंगे, या डिस्टिल वाटर जो बैटरी पानी होता है। ठीक है, कैसे बनता है देखिए, जैसे मान चलिए कोई बर्तन है, इसमें पानी है। ठीक है, कोई बर्तन में यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है पूरा, है ना। अब इसमें कोई चीज़ पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, जैसे पानी में बहुत सारा पोषक तत्व होता है, तो वो भी पोषक तत्व हो सकता है, या कुछ मिश्रण के यहाँ पर पड़ रहे हैं, तो कुछ मिश्रण मान चलिए एसीटोन है, एसीटोन है कुछ, है ना, एसीटोन या कोई भी मिश्रण है। ठीक है, इसको हमको अलग करना है। एसीटोन बुक में दिया है तो एसीटोन का ही नाम ले रहे हैं, एसीटोन से हमको अलग करना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक पाइप जैसा रहता है और यहाँ पे एक बर्तन दिया हुआ है, यानी इस बर्तन में ये पाइप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से इसको आग लगा देंगे, मतलब उसमें हीट देंगे, है ना, गर्मी। तो क्या होगा, पानी गर्म होगा, खौलेगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस में पहुँच जाएगा तो पानी वाष्प बनना स्टार्ट होगा। अभी तो ढका हुआ है, पूरी तरह से ढका हुआ है, यानी वाष्प जो है इस नली द्वारा यहाँ आ जाएगा। है, यहाँ पर देखिए छेदा दिख रहा है, नली, ये नली छेदा नहीं है ना, ये नली आ जाएगा यहाँ से इस बर्तन में, ये नली। तो वाष्प बन के, पानी जो है वाष्प बन के इस नली द्वारा होते करते उस बर्तन में जमा हो जाएगा, यहाँ से जा करके इस बर्तन में वो जमा हो गया। ठीक है, थोड़ा अजीब बर्तन वो दिख रहा है, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से जा करके यहाँ जमा हो जाएगा। तो यहाँ का पानी जो है, जल जो है, वाष्प बन के कहाँ चल गया, वहाँ पर चल गया, इसी को आशुद्ध जल कहते हैं। यहाँ जो पानी आया वो आशुद्ध जल है, उसमें यानी अब किसी भी प्रकार का कोई पोषक तत्व या कोई भी पदार्थ का मिलावट नहीं है, कोई भी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं है, यानी ये शुद्ध जल होता है, यही वाला शुद्ध जल। वाष्प बन के जो बनता है, वाष्प के बाद जो बन रहा है पानी, वो शुद्ध जल है, उसी को आशुद्ध जल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जल में, पानी में कोई चीज़ मिला हुआ है तो उसको हम आसवन विधि से यानी डिस्टिलेशन द्वारा अलग कर सकते हैं। इसी विधि से अलग करके डिस्टिल वाटर बनाया जाता है, आशुद्ध जल बनाया जाता है। इसलिए आशुद्ध जल को शुद्ध जल कहते हैं, क्योंकि साइंस में शुद्ध मतलब समझा है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई भी तत्व मौजूद ना हो, जो एकदम सेम एक तरह का तत्व या यौगिक से बना है। तो ये आशुद्ध जल, कोई भी तत्व जो जिससे वो मिलकर बना, जिसमें जो पानी में जो भी अलग तत्व था कुछ अलग प्रकार का, तो वो तत्व यहीं रह जाता है, सिर्फ पानी इसमें जाकर के वाष्प बन के पानी सिर्फ रहता है, H2O, शुद्ध H2O, तो उसको डिस्टिल वाटर कहते हैं, बैटरी में जो पानी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसको पीने से कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होता है ना, लेकिन बहुत कोई उसको सोचता है जल जाएगा, एसिड है, नहीं एसिड अलग चीज़ होता है ना, वो डिस्टिल वाटर है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसका पोषक तत्व खत्म हो जाता है, उसमें कुछ लगेगा ही नहीं, पानी पी रहे हैं ना, तो उसको पीने से कोई नुकसान नहीं। ऐसा एकदम ऐसा डर के उसको रखता है बैटरी पानी को, कहीं पर एकदम छुबो मत करना कहता है ना, हम भी शुरू डराते थे, एसिड है छुएगा तो जल जाएगा कहते थे, लेकिन कुछ नहीं, पानी है। ठीक है, आशुद्ध जल कोई दिक्कत नहीं, आशुद्ध जल नहीं माने, हाँ वही डिस्टिलेशन, आशुद्ध आशुद्ध बोलते क्या बोलते हैं, आसवन है ना, आसवन विधि, डिस्टिलेशन विधि, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे और कोई विधि नहीं, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टिलेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्रिस्टलीकरण में कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट है, इसमें कोई अशुद्ध पदार्थ है, जैसे कॉपर सल्फेट अशुद्ध कॉपर सल्फेट है, उसको अगर उसको शुद्ध करना है तो क्या करेंगे, इसको पहले किसी विलयन में घोल देंगे। ठीक है, किसी विलयन में घोल दिया जाता है, ये लगभग अपकेंद्रीकरण जो पढ़े थे, केंद्र में तली में बैठ जाता है, उसी की जैसा है ना, लेकिन अपकेंद्रीकरण भारी वाला बैठ जाता था, तो भारी और हल्का से मतलब नहीं है। इसमें कोई, जैसे ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ये अशुद्ध कॉपर सल्फेट है, कैसा अशुद्ध, यानी इसमें कुछ कुछ मिलावट भी है, और हमको उस अशुद्धि को, जो अशुद्धि है उसमें, उसको अलग करना है, तो उसको अलग हम हाथ से चुन के तो कर नहीं सकते हैं, उसमें कुछ
उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, देखिए हाथ से चुन के अलग नहीं कर सकते, कोई उसमें केमिकल टाइप का रहता है अशुद्धिया, तो उसको तो दिखेगा नहीं कि कौन अशुद्धि, इसलिए उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है, ये विलयन सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल है, इस घोल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल में क्या करेंगे, इसको डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट को डाल देते हैं, ठीक है, ये मान चलिए ऐसा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को डाल देते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में जब कॉपर सल्फेट को डाल देते हैं, उसके बाद इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे स्थिर। तो क्या होगा, देखिए रात भर में ये जितना कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट वो तल्ली में जम जाएगा, है ना, यहाँ पे जम जाएगा, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, है ना, और बाकी सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को ढाल देंगे कहीं पे कोई बर्तन में, और ये शुद्ध कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का गुण है कि वो क्रिस्टल में नीचे बैठ जाता है, तल्ली में बैठ जाता है, तो शुद्ध कॉपर सल्फेट जो रहेगा वही भर बैठेगा, और उसमें जितना अशुद्धि रहेगा सब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दो मिश्रण को अलग कर सकते हैं क्रिस्टलीकरण द्वारा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ही इसमें पढ़ना है मिश्रण को अलग करने का, ठीक है, मिश्रण को अलग करने के लिए इतना ही कुछ है। उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये बहुत आसान सा चीज है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगले पार्ट में तत्व और यौगिक देखेंगे, क्योंकि तत्व और यौगिक थोड़ा सा सबसे हट के है, तत्व और यौगिक का बात बार बार आ रहा है, लेकिन वो तत्व और यौगिक क्या है मेन, उसको अगले वीडियो में समझेंगे, इसलिए आज भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इसके बाद है उसको कर लेते हैं, ताकि एक सेपरेट वीडियो दे सके आपको तत्व और यौगिक के लिए, है ना। देख सिंपल सा चीज़ याद रखिएगा, वैसा परिवर्तन जो फिर से वापस आ सकता है, माने बदला फिर अपना रूप में, जो फिर से अपना वास्तविक रूप में मूल रूप में वापस आ सकता है, ठीक है, जो ऐसा परिवर्तन जो अपने मूल अवस्था में आ सकता है, मूल अवस्था में आ सकता है, साधारण शब्दों में लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा, जो अपने मूल अवस्था में आ सकता है उसको भौतिक परिवर्तन, और इसमें क्या होगा, मूल अवस्था में नहीं आ सकता, मूल अवस्था मतलब ओरिजिनल, है ना, मूल अवस्था में नहीं आ सकता, है ना, मतलब जो पहले अवस्था था उसका, उस अवस्था में वो नहीं आ सकता है, तो उसको रासायनिक परिवर्तन, जो अपने अवस्था में पहले का अवस्था में मूल अवस्था यानी पहले का अवस्था में आ सकता है, वापस आ सकता है, उसको भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे बर्फ़ से पानी बना, तो बर्फ़ से पानी बन गया, तो पानी से फिर बर्फ़ बन सकता है, तो वह है भौतिक परिवर्तन, ठीक है, वो अपना मूल अवस्था में आ सकता है, पानी बर्फ़ बना, बर्फ़ से पानी बन सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे पानी से वाष्प बना, वाष्प को फिर ठंडा करेंगे फिर पानी बन जाएगा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन, यानी अपना अवकात में कह सकते हैं, अपना अवकात में अगर आ जाए तो वो भौतिक परिवर्तन है ना, थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा उड़ ले फिर अपना अवकात में आ जाए, जैसे किसी का अपने थोड़ा अचानक पैसा उसे चढ़ जाता है ना, कुछ दिन एकदम लगता है हमारा, जैसे कोई ही नहीं, फिर जब खत्म हो गया तो अपना अवकात में आ गया, तो वो भौतिक परिवर्तन है, यानी उसके अंदर परिवर्तन हुआ था लेकिन वो भौतिक परिवर्तन था, है ना, वो अपना अवकात में आ गया। और कोई कोई होता है जो सब परिवर्तन जो एकदम सही में मेहनत करके अपन अगर बल बूते किसी मेहनत करके और अच्छा से कमा रहा है, अच्छा उसका बन गया, तो वो ऐश कर सकता है, जिंदगी भर ऐश कर सकता है, तो रासायनिक परिवर्तन है, यानी अपना मूल अवस्था में अपने आएगा, वो उसका लाइफ बन गया, है ना, नौकरी वोकरी लग रही है, बढ़िया बिजनेस में चल गया, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, यानी उसका लाइफ बन गया। अरे भौतिक परिवर्तन यानी कहीं से लोटरी वोटरी लग गया तो एकदम बढ़िया बढ़िया पहन कर घूमने लगा दो चार दिन, है ना, फिर अपना औकात में आ गया, तो ये भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन माने वो हमेशा के लिए उसका लाइफ सेट हो गया, ठीक, जैसे तो हो गया एग्जाम्पल, ओरिजिनल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे चावल से भात बन गया, तो भात से फिर चावल नहीं बने ना, कोई सब्जी उपजी है उसको पका दी, तरकारी बन गया, फिर उसको सब्जी बनाएंगे कहेंगे कूबी फूलेगा, फिर से उसको फुला देते नहीं होगा, जैसे कोई चीज़ पक गया, कोई फल है पक गया, उसको फिर कहेंगे कच्चा हो जाओ तो नहीं होगा, तो वैसे परिवर्तन जो वापस नहीं आ सकता वो रासायनिक परिवर्तन, याद रहेगा, जो वापस आ सकता है भौतिक परिवर्तन है, तो ऐसे याद रखिएगा, जो अपना अवकात में आ सकता है भौतिक परिवर्तन, जो अपना अवकात में नहीं आएगा माने कि उसका अवकात ही पूरा चेंज हो गया, तो वो रासायनिक परिवर्तन, ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है।
एग्जाम्पल पर लिख लीजिएगा। तो चलिए तत्व और यौगिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तत्व और यौगिक को बढ़िया समझें, है ना, मेन तत्व और यौगिक केमिस्ट्री का अंदर एक और समझिए कदम रखेंगे तत्व और यौगिक जब पढ़ लेंगे, है ना। क्योंकि अभी तक पदार्थ देखे, पदार्थ को ही मिलावट यानी मिश्रण उश्रण देखे, विलयन देखे, फिर उसको अलग कैसे करें। अब देखेंगे पदार्थ के अंदर जो तत्व, पदार्थ मतलब पदार्थ किससे बना, कणों से, तो कण का चीज़ है तो तत्व है, तत्व के अंदर का परमाणु है, तो इसके बाद परमाणु पढ़ेंगे, है ना। तो धीरे 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 एकदम केमिस्ट्री के अंदर घुस रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तत्व और यौगिक को लेकर के। तो तत्व और यौगिक पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा लगभग एक अगले वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद शुरू करेंगे परमाणु अणु। ठीक, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा अगर समझ वीडियो आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।